रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर में बस चालक और परिचालक के मामले ने तूल पकड़ ली है और मामले को लेकर अब एचआरटीसी के डीएम के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं मामले में नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन ने भी परिचालक के साथ मिलकर डिपो चालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरएम ऑफिस पहुंचे नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन के सदस्यों ने आरएम विवेक लखनपाल को लिखित शिकायत कर मामले में न्यायिक कार्रवाई करने की मांग की है और चेताया कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन के तमाम सदस्य सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर में बस चालक और परिचालक मामले ने तूल पकड़ लिया है और मामले को लेकर अब एचआरटीसी के डीएम के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं मामले में नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन ने भी परिचालक के साथ मिलकर डिपो चालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरएम ऑफिस पहुंचे नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन के सदस्यों ने आरएम विवेक लखनपाल को लिखित शिकायत कर मामले में न्यायिक कार्रवाई करने की मांग की है और चेताया कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन के तमाम सदस्य सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें कि 2 अगस्त को एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की चंडीगढ़ रूट की बस के चालक ने ऊना में सवारियां बिठाते समय कंडक्टर सफल कुमार को छोड़ दिया और बस को भगाकर चंडीगढ़ ले गया, जिसकी शिकायत तुरंत सफल कुमार ने आरएम हमीरपुर को फोन पर दी थी और उसके बाद लिखित शिकायत भी कंडक्टर सफल कुमार ने कार्यालय में दी है। लेकिन बिना कंडक्टर के बस को चंडीगढ़ तक ले जाने पर डिपो चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर ही अब नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोलते हुए एचआरटीसी प्रबंधन को चेताया है। कंडक्टर सफल कुमार डिसेबल कैटेगरी में आता है और पैर का ऑपरेशन होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आरएम ऑफिस पहुंचे नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिपाहिया ने बताया कि कंडक्टर सफल कुमार की शिकायत इतने दिन बीत जाने पर भी चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि सारे मामले में चालक की गलती है, लेकिन प्रबंधन कुछ भी नहीं कर रहा है। उन्होंने प्रबंधन को चेताते हुए कहा कि अगर चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हमीरपुर में चक्का जाम किया जाएगा। सर, मैं एनडीए के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र सिपाहिया, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जो परिचालक सफल के साथ कार्रवाई हुई है वो घिनौनी कार्रवाई है। इस करके हम आरएम से मिले। पहली बात यह है कि बस अगर बिना कंडक्टर के गई तो गई क्यों, पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही उन्होंने पीछे से कई बार सीटियां भी मारी, उनको रोकने की कोशिश की, सवारियों को परेशान किया, लेकिन उसके ऊपर ड्राइवर ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही धुन में वो निकलता गया। ऊपर आरएम ने जब उन्होंने शिकायत की थी परिचालक ने, तो आरएम ने उसके ऊपर क्या एक्शन आज तक किया और किया तक क्यों नहीं, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई हो रही है। हम चाहते हैं या तो शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई हो, अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे हमीरपुर में। इसकी जिम्मेवारी यहाँ के चाहे जो अधिकारी हैं, आरएम हैं, जो भी हैं, उनकी जिम्मेवारी होगी। जो है ये दिव्यांग सफल कुमार के साथ जो कुछ हुआ है उसके ऊपर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के मुताबिक कार्रवाई हमें चाहिए। यदि जो है नॉर्मली इनका जो है सिर्फ आपसी समझौता कराया जाता है तो वो किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। कंडक्टर सफल कुमार ने बताया कि 2 अगस्त को हमीरपुर से चंडीगढ़ की बस में ऊना के पास सवारियों को उतारने के बाद चालक ने जल्दी से बस को भगाकर चंडीगढ़ ले गया, जिस कारण कुछ सवारियां भी बस अड्डे पर ही रह गई। इसकी शिकायत आरएम हमीरपुर से भी फोन पर की गई थी और उसके बाद लिखित शिकायत भी प्रबंधन को दी है, लेकिन इतने दिन बीतने पर भी बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जिस वजह से मानसिक तौर पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि चालक के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। सफल कुमार ने बताया कि मेरी टिकट काटने वाली मशीन भी चालक की वजह से गुम हुई है। 2 अगस्त 2019 को हम हमीरपुर से चंडीगढ़ गए रूट पे लेके 8:05 का नॉन स्टॉप, तो जैसे ही हमारी बस ऊना पहुंची तो मैंने सभी सवारियों को 5 मिनट का टाइम दे दिया कि आपने टॉयलेट वगैरह पेशाब को जाना है, अन्यथा कुछ भी करना है तो 5 मिनट के अंदर आप वापस आ जाइए। तो जैसे टॉयलेट सवारियाँ जो हमारी टॉयलेट करने गई तो वैसे बस स्टार्ट ही थी, उसने स्टार्ट गाड़ी को बस स्टैंड के बाहर ले गया। मैंने बिस्ल भी बजाई, सवारी ने बोला मेरी बेटी भी रह गई है, मेरी मम्मा रह गई है, पर उसने किसी की ना मेरी बिस्ल की कदर करी ना उसने सवारियों की कदर करी। और बाहर उसको बस स्टॉप के बाहर जाके जब मैंने जोर से बोला तो तब उसने जाके वहाँ बस रुकी। मैंने कहा मैं सवारी लेके आता हूँ, तो मैं सवारी लाने चला गया। मैं पहला डिस्टेंस बस हुआ 3-4 मीटर का,
उसने शीशे में देख लिया था कि आ रहा है, पर उसने जानबूझ के गाड़ी वहाँ से भगा दी। और मैंने उसी टाइम आर्म को हमीरपुर को फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप आपस में निपटो। आर्म हमीरपुर का ऐसा रिप्लाई आया मेरे को कि आपस में निपटो। तो मैंने सर मगर आपस में कैसे निपटना, वो बस लेके भाग गया। इस बीच बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो बात मैंने पुनः फ़ोन किया, आर्ट इंचार्ज को भी इतला किया, RDM हमीरपुर को भी इतला कर दिया। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि बिना कंडक्टर के बस आज तक ना कहीं गई है ना जा सकती है, पर कैसे चला गया कि वो वहाँ से ऐसा क्या हुआ चालक के साथ कि वो वहाँ पे 2 मिनट के अंदर ही, जबकि मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, वो 2 मिनट के अंदर ही ऐसे क्यों भागे वहाँ से, क्या वजह थी। दूसरा, आर्म हमीरपुर ने 130 किलोमीटर बस चली गई, उसके ऊपर वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया उसी टाइम, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के निरीक्षण अधिकारी होते हैं चेकिंग टिकट चेकिंग वाले, वो वहाँ पर होते ही होते हैं लाइन पर, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहीं बस रुक जाती और उसकी चेकिंग विदाउट टिकट हो जाती, क्योंकि उन्ना में सवारी भी बैठी हुई थी 8-10 जो विदाउट सफ़र वहाँ पे उन्होंने चंडीगढ़ तक सफ़र किया है, चंडीगढ़ तक उनको पहुँचाया, उनके तक उनसे उसने कैसे डील की है, जहाँ से मेरे को करप्शन की बू आ रही है उनसे, अबसे जो चालक है उनसे मेरे को करप्शन की बू आ रही है। और तीसरी बात, जो जब उसके पास भी ऐसे क्या मटेरियल था जो आते 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 टाइम जब बस उन्ना पहुँची तो उसकी गाड़ी जो चेक हुई है पुलिस वालों ने, पूरी गाड़ी चेक की है। तो ये मेरा मेन मुद्दे है तीन, तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अमले में लाए जाएँ। इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मसला बिल्कुल सिंपल सा है। जो ऑनलाइन सवारी हैं वो अपनी स्टेटमेंट दे चुकी हैं, ऑनलाइन भी और ऐसे भी इन्होंने बोल चुके हैं, जो मैं क्या जो भी इन्होंने अपनी इंक्वायरी देनी थी ऑनलाइन दे चुके हैं, यहाँ पर इनके पास RM ऑफिस में जीमेल के थ्रू कंप्लेंट पहुँच चुकी है, और सारी अगेंस्ट ड्राइवर के कि ड्राइवर ने बड़ा बड़ा बर्ताव किया हमारे साथ, रास्ते में टॉयलेट के लिए तक नहीं रोका, ना खाने के लिए रोका, पूरी बस रास्ते में नॉन स्टॉप ले गया। एक बंदे को लेबर की प्रॉब्लम थी बोला, उसको टॉयलेट तक नहीं करवाया। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है विभाग द्वारा लाई जाए, नहीं तो मैं इसकी इंक्वायरी जो है अब शिमला हेड ऑफिस से करवाना चाहता हूं। अगर मैं यहां से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं यहां की इंक्वायरी से, 3 दिन हो गए मेरे को बुलाते हुए, चार दिन इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि मसला है 2 मिनट का। वहीं इस मामले पर RM हमीरपुर विवेक लखनपाल का कहना है कि हमीरपुर से चंडीगढ़ जाने वाली सुपरफास्ट बस के कंडक्टर ने चालक के खिलाफ बस को भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बयान को कलमबंद किया जा रहा है और जांच के बाद जो भी गलत होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला है जिसमें जो है हमारी गाड़ी सुपरफास्ट टाइम है चंडीगढ़ जाता है, तो उसमें ड्राइवर के विरुद्ध शिकायत की गई थी कंडक्टर ने कि ड्राइवर जो है उसको छोड़ के ऊना में गाड़ी आगे ले गया। तो ये उस दिन भी हमारे ध्यान में आ गया था मामला, कंडक्टर ने हमें फ़ोन पे बताया था, जिसके हमने कहा था उसको कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और आप गाड़ी जो है पकड़ लो। परंतु अब जो ध्यान में आया है, जो सर्कमस्टांसिस आ रहे हैं सामने, उनमें ऐसा पाया जा रहा है कि कंडक्टर ने भी जानबूझ के जो है गाड़ी जो है नहीं ली, तो ये पूरा ध्यान में आया हुआ है मामला, और इसको हमारी हायर अथॉरिटीज़ डिवीजनल मैनेजर जी इंक्वायर कर रहे हैं। जो भी इंक्वायरी में आएगा, जिसका भी गलती होगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।